चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है अंतरिक्ष यान होप। यह विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात मंगल पर अपने पहले मिशन को प्रवेश करवाने में सफल हो गया है और इसके साथ ही यूएई, अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय यूनियन और भारत के साथ ऐसा करने वाला देश बन गया है। 7 महीने पहले जापान में तेनगाशिमा से अमीरात निर्मित होप्रॉप लॉन्च किया गया था। इस मिशन हेतु सफलता हासिल करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती स्पीड को लेकर थी। यह चुनौती इस प्रकार थी कि अगर इस मिशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती तो हो सकता था कि यह अंतरिक्षयान मंगल से पार निकल जाए, और अगर इसकी स्पीड कम करती जाती तो बहुत अधिक संभावना थी कि यह यान मंगल की सतह पर पहुंचकर नष्ट हो जाए। तो इन सभी चुनौतियों से सफलतापूर्वक पार पाते हुए इसमें सफलता हासिल करना संयुक्त अरब अमीरात के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और यह अरब देशों में उसका पहला मिशन भी है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यह मिशन 6 महीने पहले होप्रॉप नाम से शुरू किया गया था, और ये भी मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि अरब देशों में ऐसा कारनामा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बन गया है। यूएई का होप्रॉप क्या है? इस मिशन को पहली बार 2014 में जुलाई में शुरू किया गया था और इसको अमीरात मार्स मिशन नाम दिया गया था। इस मिशन के लिए बहुत सारी जगहों से सहयोग भी प्राप्त हुआ था, जिनमें अमेरिका के कैलिफोर्निया, बर्कले, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय का सहयोग शामिल है। इन सभी से सहयोग प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसे विकसित और संचालित किया गया है। होप नामक इस उपग्रह को तनेगाशिया अंतरिक्ष केंद्र, जो कि जापान में है, से H2A नामक रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, और यह यूएई का 4th अंतरिक्ष मिशन है। और इससे पहले के जो 3 अंतरिक्ष मिशन हैं वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से संबंधित है। इसके अलावा हम इस पे कुछ और बात भी कर लेते हैं कि इनमें से कुछ चीज़ें मैं दोहराऊंगी भी जो पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर भी दोहराने से ये चीज़ें याद रहेंगी। तो इस मिशन का नाम है अमीरात मार्स मिशन। इस मिशन का प्रोब नेम है होप मिशन। इसको शुरू किया गया जुलाई 2020 में और इसका लॉन्च लोकेशन जो है तनेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे एक बार मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने के बाद यह वहां परिक्रमा करना शुरू कर देगा, और इसका समग्र मिशन जीवन 1 मंगल वर्ष है। 1 मंगल वर्ष का मतलब होता है कि पृथ्वी के 687 दिन, यानी कि हमारे 2 साल जितना बड़ा 1 मंगल वर्ष होता है। पृथ्वी के 2 साल इज इक्वल टू मंगल ग्रह का 1 साल, तो उतने दिन ये मिशन वहाँ पे रहेगा। अमीरात परियोजना मंगल ग्रह के लिए 3 रेसिंग में से एक है। रेसिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि संयुक्त अरब अमीरात के अलावा 2 अन्य देश भी हैं जो इसी समय पे मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना चाह रहे थे और कर चुके हैं। उसमें एक चीन है, और चीन का 91 और संयुक्त राज्य अमेरिका का मंगल 2020 अंतरिक्षयान अभियान शामिल है। होप मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। प्रारंभ के कुछ महीनों में यह यही कार्य करेगा। इसके अलावा इसका लक्ष्य है मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल मैप को बनाना है। ऐसा अभी तक कोई अन्य देश नहीं कर पाया है, तो संयुक्त अरब अमीरात चाहता है कि सबसे पहले ये कामयाबी उसी को मिले। यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले के रोवर मंगल के चक्कर एक सीमित समय में ही काट पाते थे, और 24 घंटे के समय में, यानी कि एक परिक्रमा में, कुछ समय ऐसा होता था कि वो मंगल के धरातल की साफ तस्वीरें नहीं ले पाते थे। लेकिन इसके विपरीत होप का ऑर्बिट अंडाकार है, जो इस चीज़ में उसकी सहायता करेगा कि वो हर समय उसकी साफ तस्वीर खींच सके। होप के ऑर्बिट की वजह से मंगल के हिस्सों पर दिन और रात में ज़्यादा समय नज़र रखी जा सकेगी,
और मंगल के एक साल में यह हर हिस्से पे पूरे दिन नजर रख पाएगा। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है मॉर्टियन मौसम यानी कि मंगल ग्रह के मौसम की गतिशीलता पर अध्ययन करना है, जिससे यह देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पलायन से वातावरण में क्या क्या बदलाव होते हैं और किस किस तरह की स्थिति और परिस्थिति अंतरिक्ष के मौसम में बनती है। चलिए देखते हैं अब आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है अंतरिक्षयान होप किस देश से संबंधित है। विकल्प ए चीन से, विकल्प बी संयुक्त अरब अमीरात से, विकल्प सी अमेरिका से, विकल्प डी ईरान से। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी कि अलकनंदा और इसके सहायक नदियों में ग्लेशियर फटने की घटना हुई थी जिससे वहां पर बाढ़ आ गई थी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।